जस्टिस फॉर आर जी कर के समर्थन में LIC एजेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया खड़गपुर डिवीजन कार्यालय द्वारा एक विरोध रैली का आयोजन किया गया। आज दोपहर LIC खड़गपुर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया डिवीजन कार्यालय द्वारा जस्टिस फॉर आर जी कर के समर्थन में एक विरोध रैली का आयोजन किया गया। LIC की विरोध रैली खड़गपुर डिवीजन कार्यालय से निकलकर खड़गपुर शहर के मलंचा इलाके के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और डिवीजन कार्यालय में समाप्त हुई। वहीं रैली के बाद LIC एजेंटों ने डिवीजन कार्यालय के बाहर आरजी कर मामले में दोषियों को तत्काल सजा देने की मांग की। हम लोग आज आप लोग को मालूम है जो आरजी कर हॉस्पिटल में जो कांड हुआ था उसका खिलाफ में आज हम लोग एक तो छोटा से जुलूस निकला था। उसका बाद हम लोग खड़गपुर डिवीजन ऑफिस के सामने हम लोग इसका प्रतिबाद कर रहा कि आज जो किया जो रेप हुआ उसका बाद मर्डर हुआ इसका अगर हम लोग प्रतिबाद नहीं करेगा तब आइंदा दिन में ये होते ही रहेगा। दोस्तों आज पब्लिक रास्ता में है, आज कोई राजनीतिक दल हिसाब से नहीं। मैं देखा था कि 14 अगस्त जो लड़की लोग रास्ता में आ गया वो लोग को जिंदगी में मैं कभी नहीं देखा कोई पॉलिटिकल जुलूस में भाग लेने के लिए। आज मैं देखा कि कहाँ से इतना औरत लोग आया था, कहाँ से आया, वो लोग बोल रहा दादा ये प्रतिबाद करना चाहिए। आज देखिए गवर्नमेंट भी हिल गया, आज सुप्रीम कोर्ट को 100 मोटो मामला करने हुआ इसका लिए क्यों पब्लिक का प्रेशर में। दिल्ली में जो हुआ था उस टाइम में जी पब्लिक रास्ता में उतर गया था उसको भी आप लोग को मालूम है, उसका पनिशमेंट हुआ, हैंग हो गया, कोई बीच में मर गया था। आज दोस्तों ये अगर हम लोग रास्ता में नहीं उतरेगा तब ये प्रतिबाद हम लोग करेगा। हम लोग सरकार को, हम लोग गवर्नमेंट को, हम लोग कोर्ट को ये चेतावनी देने चाह रहा कि अगर आइंदा दिन में ऐसा होगा, आज सुप्रीम कोर्ट बोला ऐसा घटना आइंदा दिन में नहीं होना चाहिए। एक तो रेप मर्डर हो गया हम लोग देखते ही रहेगा और यहाँ पर हॉस्पिटल में होते ही रहेगा, ये कभी नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ये भी बोला कि अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा कोई जुलूस में उसका ऊपर शांतिपूर्ण कोई जुलूस में उसका ऊपर आप लोग कोई एक्शन लेने नहीं सकेगा। आज दोस्तों हर मीडिया ये सब कवरेज कर रहा, इसीलिए आज हम लोग खड़गपुर डिवीजन ऑफिस के सामने आके उसका माँ बाप को वो जो बोला कि मेरा वेस्ट बंगाल में सर टोटल भारत में अमेरिका में भी प्रतिबाद हुआ, जर्मन में भी प्रतिबाद हुआ, ऐसा कोई देश में देखा, बांग्लादेश में भी प्रतिबाद हुआ, मैं देख रहा था पाकिस्तान में भी प्रतिबाद हुआ। आज दोस्तों इस जगह में हम लोग आया ये प्रतिबाद करने के लिए, हम लोग को घर से उतारना होगा। आप लोग सोचेगा एक तो मर्डर रेप हो गया क्या जरूरत है हम लोग को करने के लिए, नहीं दोस्तों आपका भी लड़की है, आपका भी लड़का है, आपका भी कोई लड़का लड़की डॉक्टरी पढ़ रहा है। आज सारा ऑल इंडिया में हम लोग देख रहा कि आज आदमी लोग का जो प्रतिबाद, आज गवर्नमेंट को भी सोचना हो रहा, गवर्नमेंट का लाठी कर का 4 कोई ऑफिसर को सस्पेंड किया, ये प्रेशर है गवर्नमेंट को। हम लोग अगर प्रेशर नहीं देगा गवर्नमेंट चेंज दे, गवर्नमेंट जो परिवर्तन के लिए ये जो सब आदमी लोग बैठा है, जो लोग पैसा खाने के लिए बैठा है, जो लोग का कोई जिम्मा नहीं है, जो एक तो स्टूडेंट है उसका कोई ये नहीं, आप लोग सब टीवी न्यूज में देख रहा। ताई दोस्तों आज प्रतिबाद स्वरूप हम लोग खड़गपुर डिवीजन का सामने जमायत हुआ जाके एजेंट एवं स्टाफ मिलके इसका प्रतिबाद कर रहा। एक्चुअली आरजीकर हॉस्पिटल में जो घटनाटा घटेছে মহিলা হিসাবে আমার নিজের মানে মা বোন আমার নিজের মেয়ে এদের জন্য আমার মানে বাড়তি অনুভূতি হচ্ছে যে আজকে সমাজটা কোথায় গিয়েছে, যেখানে সন্ধ্যের পর বা দিনের কর্মস্থলে যাওয়াটাও সেফটি নেই মেয়েদের কাছে। আগামী দিনে যাতে আমাদের নতুন প্রজন্ম যারা আসছে এবং বর্তমান প্রজন্ম যারা মহিলাদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে যাতে সুরক্ষিত থাকে তারা, তার জন্য সবাই যাতে আমরা সচেতন নাগরিক হিসাবে প্রতিবাদ করি এই দুর্ঘটনার এবং এই ঘটনাটা যাতে অনভিপ্রেত আমাদের কাছে। নির্ভয়া কাণ্ড হতে হয়েছিল তার যখন যোগ্য শাস্তি হয়েছিল তখন আমরা ভেবেছিলাম বোধহয় আর নির্ভয়া এরকম ঘটনা ঘটবে না, কিন্তু তার থেকেও নৃশংসতম ঘটনা আমাদের আর জিকল হয়েছে যেটা সারা পৃথিবীর কাছে একটা লজ্জার ব্যাপার। তাই এর প্রতিবাদ করছি এবং আগামী দিনে যাতে এই মানে সুস্থ সমাজ আমাদের গঠন হয় তার সেই আশা রেখে সঠিক বিচার যেন হয় দিয়ে বা মানে যারা করেছে তারা শাস্তি পায়। এই ঘটনার পরে কি অবস্থা হয়ে যাচ্ছে? ঘুমোতে পারি না, বেরোতে পারছি না কোথাও। আর আমরা যাচ্ছি চাইছি যে সমাজের প্রতিটা স্তরে মানে সবাই নৈতিকভাবে সব কিছু করুক এবং যেন জাস্টিস পায়। যে মায়ের কোল খালি হয়েছে কি বলবেন? আমি একজন মা, আমার মেয়েও সেই একই জায়গাতেই আছে, তার জন্য আমি ভীষণভাবে মর্মাহত, মানে নিজেকে আমি কি বলবো, ভাষা আমার নেই বলার। কিন্তু আমি চাই যে দোষী যারা অ্যাকচুয়ালি যারা পার্মানেন্ট দোষী তাদের জন্য সঠিক বিচারটা হয় এবং তাদের জন্য সঠিক শাস্তি হয়।
এইটাই বলার আছে আর কিছু বলার নেই। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে কি বলবেন? আইন শৃঙ্খলা তো কি চাইছেন, কিভাবে হলে ভালো হবে? মেয়েদের পক্ষে আইন শৃঙ্খলা বলতে গেলে কিছুই নেই, এটাই তো তার সেফলি বেরোতে পারছি না। মেয়েদের পক্ষে কিভাবে আইন হলে ভালো হবে? দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।